हेलो एवरीवन दिस इज दीपिका वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज और एक क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयरस में ये देखने को मिला है कि इस टॉपिक से ना कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिपीट कर करके तो आज हालाँकि मैंने ये क्वेश्चन लिया है लेकिन न्यूक्लियर प्रोलीफरेशन का जो टॉपिक है मैं इसको होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करूँगी जिसमें मैं, मैं समझाऊंगी कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर प्रॉलीफेरेशन इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं न्यूक्लियर प्रोलीफ्रेशन अगर होता है न्यूक्लियर स्प्रेडिंग अगर होती है टेक्नोलॉजी की तो क्या प्रभाव पड़ेंगे साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि न्यूक्लियर प्रोलीफ्रेशन को कंट्रोल किया जा सके और उस स्टेप्स जो 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 एफर्ट्स किए गए हैं उनमें क्या चैलेंजेस आए थे क्या ऑब्स्टिकल आए थे जो हम सक्सेसफुली न्यूक्लियर प्रोलीफ्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं इसके बाद से हम देखेंगे कि क्या किया जाना चाहिए एक वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए जिससे कि न्यूक्लियर प्रोलीफ्रेशन पर कंट्रोल लगाया जा सके तो ये पूरा हम लोग इसको मल्टीपल डायमेंशन में कवर करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में आपके पास कंप्लीट एक आंसर होगा जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो एड्रेस कर सकते हो सो so गाइज़ अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब मई चैनल इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो गाइज़ थैंक यू सो मच प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप शेयरिंग द कंटेंट विथ अदर्स तो चलते हैं डिटेल में आज के डिस्कशन में जो है न्यूक्लियर प्रोलीफ्रेशन uh, तो समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर प्रोलीफेरेशन तो मैं इस मैप में अभी आऊँगी थोड़ी देर में पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर प्रॉलीफरेशन न्यूक्लियर प्रोलिफिरेशन की जो मीनिंग है डेफिनेशन है यहाँ पर ओके जस्ट लेट मी क्लियर इट ओके सो व्हाट इज न्यूक्लियर प्रोलिफिशन तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले आपको भाई डिफाइन करना होगा होगा ना कि न्यूक्लियर प्रोलिफिरेशन की मीनिंग क्या है तो न्यूक्लियर प्रोलिफिशन सिंपली क्या है स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी एज वेल एज मटीरियल या तो डायरेक्टली वो लोग वेपन को बेच दें किसी और कंट्री को जिसके पास नहीं है या उस वेपन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को बेच दें या उस टेक्नोलॉजी या वेपन बनाने में जो मटीरियल लगता है उसको बेचें दूसरे किसी कंट्री को तो इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर प्रोलीफ्रेशन मतलब जिन कंट्रीज़ के पास नहीं है वो टेक्नोलॉजी उन तक भी पहुंच गई तो ये क्या हो रहा है स्प्रेडिंग हो रही है यहाँ पर ना राइट गेटिंग इट तो ये जो ये स्प्रेड प्रोसेस होती है ना इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर प्रॉलीफिडेशंस तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी पूरा कंप्लीट न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा कि पूरा का पूरा वेपन डायरेक्टली दे दिया बनाकर या वेपन रिलेटेड टेक्नोलॉजी एज वेल एज मटेरियल्स जैसे जो उसमें मटेरियल यूज़ होता है जो उसमें फ्यूल यूज़ होता है वो उसको वहां पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया तो सारी चीज़ें आ जाएंगी अब प्रोलीफरेशन कब होता है जब इस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल्स हैपन होता है बिटवीन दी कंट्रीज या यू कैन से दैट या तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को दे रही है या जो एक पर्टिकुलर कंट्री जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनको दे रही नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट ग्रुप हो गया राइट या या, या इंसर्जेंट ग्रुप हो गया कोई क्रिमिनल ग्रुप है उसको दे दिया गया तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है ग्रेड और या तो इस तरीके से डेवलप किसी भी कन, आ, इसका यूज़ कैसे करेगी अगर मान लीजिए किसी कंट्री को दिया या या टेररिस्ट ग्रुप को दिया तो वो अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम उसके थ्रू उसकी हेल्प से बनाएंगे तो ये हो गया न्यूक्लियर प्रोलीफ्रेशन तो अभी हम देख लेते हैं कि प्रजेंट स्टेटस क्या है वर्ल्ड पर न्यूक्लियर वेपन के हिसाब से राइट तो न्यूक्लियर वेपन के हिसाब से अगर देखोगे यहाँ पर ओके तो सो जो ये ग्रीन कलर से आपको कंट्रीज दिख रही हैं यहाँ पर ओके लाइक यूनाइटेड स्टेट देन रसिया राइट ये ब्रिटेन ये फ्रांस हो गया ये चाइना हो गया दीज आर पी फाइव कंट्रीज पी फाइव कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेम्बर्स भी हैं और इनके पास वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स हैं साथ ही साथ एन पे इन्होंने साइन किया हुआ है राइट right. इस तरीके से आप देखोगे कि ये कंट्रीज कमिटेड हैं कि पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर वेपन रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल है वो स्प्रेड ना हो पाए इसको रोकना है इन पांचों ने तो अपना वेपन्स या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया न्यूक्लियर वेपन पॉजिस कर लिए अपने पास इन्होंने होल्ड कर लिया अब ये चाहते हैं कि दुनिया भर में किसी और स्टेट के पास ना पहुँचे गेटिंग इट और इसके लिए उन्होंने बहुत सारा मतलब मैकेज़म्स डेवलप की कई सारी इंटरनेशनल ट्रिटी डेवलप की इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन बता बनाया ताकि इन पर कंट्रोल किया जा सके बट इस्टिल इसके बावजूद भी कुछ कंट्रीज़ ने डेवलप कर लिया जैसे इंडिया ने या यहाँ पर पाकिस्तान और यहाँ पर आपका नॉर्थ कोरिया राइट right. तो इन लोग आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कब फाइनली सक्सेसफुली डेवलप किया था राइट right. ये मुझे कमेंट करके बताइएगा तो इ, आ, इंडिया पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है और ये पूरे वर्ल्ड को पता है बट इन्होंने एनपीटी को साइन नहीं किया एन जो इस बात के लिए बनाई गई थी कि न्यूक्लियर वेपन का फर्दर प्रोलीफेरेशन ना हो तो न्यूक्लियर वेपन का प्रॉलीफेरेशन को रोकना था इस ट्रिटी का मकसद गेटिंग इट तो इस पर इन्होंने साइन नहीं किया है इस आ, इस आ, ट्रिटी गेटिंग इट अदरवाइज़ फिर ये अपना तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप ही नहीं कर पाते अगर इस ट्रिटी पे साइन कर दिया हो जाता फिर कभी हम एन को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है आपका इसके बाद कुछ और कंट्रीज़ हैं जो ये ब्लू में आपको दिख रहे हैं ये वो कंट्रीज़ हैं जिस पे वर्ल्ड या पर्टिकुलरली यूएसए सस्पेक्ट करता है कि ये सीक्रेटली कहीं ना कहीं न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना चला रहे हैं सेटअप कर रखा है इन्होंने और कहीं ना कहीं चुपचाप अपना ये प्रोग्राम कंटिन्यू कर रखे हैं एक्सपोज नहीं किया है मतलब लोगों के सामने तो ये कंट्रीज़ पे ऐसा ब्लेम लगाया जाता है जैसे सीरिया ईरान तो लेट्स क्या होता है इस चीज़ को लेकर और इस बार में कई बार आपको देखने को मिले मिला होगा यूनाइटेड स्टेट ने इन पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि भाई हमें तो न्यूक्लियर प्रोलीफेसन को कंट्रोल करना है और आप चुपचाप बताइए डेवलप कर रहे हैं तो आप पे सेंकशन लगता है हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे जब ट्रेड नहीं करेंगे तो कंट्री का नुकसान होगा उस पर तो इस तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश की जाएगी तो ये अभी फ़िलहाल कंडीशन है तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ये न्यूक्लियर वेपन दे दे, दे अफगानिस्तान को या फॉर एग्जांपल इंडिया दे दे नेपाल को चाइना दे दे भूटान को तो ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियर प्रोलीफेसन राइट स्प्रेडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द न्यूक्लियर वेपन्स अब इसी चीज़ को हमें कंट्रोल करना है क्यों क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है क्यों ज़रूरी है इसको कंट्रोल करना हमें न्यूक्लियर वेपन्स या जो न्यूक्लियर प्रॉलीफ्रेशन है इसे रोकना होगा नहीं तो ऐसे तो वर्ल्ड की सारे कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे और सोचिए कितनी अनसर्टेनिटी रहेगी जैसे अभी अभी इंडिया और आ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रहती है या फॉर एग्जांपल अभी यही डर लगता है ना कि जो नॉर्थ कोरिया है वो कब ना आकर किसी पर अटैक कर दे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कर ले राइट right? तो क्या ऐसे इम्पैक्ट पड़ते हैं जो ये डिबेट चलती है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर प्रॉलीफेरेशन को रोकना होगा एन जैसे ट्रिटीज़ डेवलप की गई हैं सबसे पहला कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना या जो न्यूक्लियर प्रॉलीफेरेशन है ये इस रिस्क को ये इस खतरे को बढ़ा देता है जो न्यूक्लियर वॉर की संभावना है ना उसको बढ़ा देता है ओके सो द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वॉर इंक्रीजेज इन केस अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी स्प्रेड होती है अभी तो मान लीजिए दो चार लोगों के बीच में है या दस लोगों के बीच पे तो उसको कंट्रोल कर कर पाना थोड़ा सा इजी होता है यही फॉर एग्जांपल हंड्रेड कंट्रीज़ के पास पहुंच जाएगी तो आप किसे किसे कंट्रोल रखेंगे किसके किसके साथ निगोसिएट करेंगे तो जो रिस्क है वॉर का वो इंक्रीज हो जाएगा और ये आपका पोटेंशियल ऑफ मिस कैलकुलेशन एक्सीडेंट्स एंड अनऑथोराइज लांचेस के जो जो ख़तरे हैं जो रिस्क हैं वो बढ़ जाएंगे मिस कैलकुलेशन फ़ॉर एग्जांपल हंड्रेड कंट्रीज़ के पास मान लीजिए पहुंच गया आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की क्या इरादे थे क्या इंटेंशंस थे या मान लीजिए उसका मिस मिस हैंडलिंग हो जाए जो जो वेपन्स हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के पास पे वो सही से उसका मैनेजमेंट और हैंडल नहीं कर पाए तो ये मिस एक्सीडेंट हो सकता है तो उससे तो पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है ना अनऑथोराइज लॉन्च हो सकता है किसी मान लीजिए ऐसी कंट्रीज़ के पास पहुंच गया जहां पे अभी आपने श्रीलंका की हालत देखी थी कि वहाँ के राष्ट्रपति के घर पे लोग जो वहाँ के सिविलियंस थे वो पहुँच गए थे जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई थी अभी हाल ही पे श्रीलंका पे तो जो वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो प्रेसिडेंट के हाउस पे जाकर मतलब उनके स्विमिंग पूल एंड घर पे पूरा मतलब एक्सेस ले लिया था तो कुल मिलाकर कहने का ये है कि फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ जो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं या एंटी सोशल ग्रुप्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिलिटेंट ग्रुप हो गया राइट right. अगर यह टेररिस्ट ग्रुप हो गया तो इन ग्रुप को अगर एक्सेस हो जाती है इन न्यूक्लियर वेपन्स की सोचिए वो क्या तबाही मचाएंगे पूरी दुनिया में तो जो वॉर के खतरे हैं वो बढ़ जाएंगे और इसलिए ज़रूरी है कि न्यूक्लियर प्रॉलीफेरेशन को रोका जाए तो एक ये पॉइंट हो गया नेक्स्ट क्या हो सकता है जस्ट सेकेंड गाइस यस नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स अब न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है बहुत ज़्यादा रिसोर्स खर्च होते हैं बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं कितने मिलियन डॉलर्स को खर्चा किया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने पे? तो जो ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनके लिए हम क्या कर रहे हैं रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर रहे हैं और यही रिसोर्सेज को अगर हम यूटिलाइज करें जो हमारी पॉपुलेशन है जो है उसकी एजुकेशन के लिए हेल्थ केयर के लिए या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए तो वो सोसाइटी पे बेटर कंट्रीब्यूट करेगा तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो जो ये आर्म रेस लगी हुई है ना आर्म रेस में सभी कंट्रीज़ जो चाह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाए तो इससे क्या हो रहा है वेस्टेज ऑफ द रिसोर्स हो रहा है मिसमैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्स हो रहा है हमें इन रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज़ करनी चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए राइट हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके लिए हमें यह करना चाहिए तो सिटीजन्स के एजुकेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारी डायमेंशन पे इन रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना चाहिए ये कुछ एक्सपर्ट का सजेशन रहता है नेक्स्ट क्या क्या क्यों इम्पैक्ट पड़ते हैं तो एक तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये समझ में आ गया नेक्स्ट आपको पड़ता होगा अगर न्यूक्लियर प्रॉलीफ्रेशन हो रहा है तो जो हम एफर्ट्स ले रहे हैं ना नॉन प्रॉलीफ्रेशन के लिए या डिजारमामेंट के लिए या आर्म कंट्रोल के लिए तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है उन सारे प्रोग्राम्स में हम एक तरफ ये चला रहे हैं कि भाई नहीं नॉन प्रॉलीफेरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स या जो आ, जो आर्म रेस हो रही है उसको कंट्रोल करना है और डिजार्मामेंट करना है जो एग्जिस्टिंग वेपन्स हैं उनको हमें डिस्ट्रॉय करना है रिड्यूस करना है एक तरफ़ हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं और दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर प्रॉलीफ्रेशन हो रहा है एक कंट्री दूसरी कंट्री को न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही है तो फिर जो ये एफर्ट्स हम ले रहे हैं ये क्या कभी हम इस पर सक्सेसफुल हो पाएंगे कभी नहीं हो पाएंगे तो असर पड़ता है जो नॉन प्रोलीफरेशन एंड डिजार्मेंट जैसे एफर्ट्स ले रहे हैं मैंने आर्म कंट्रोल एंड एंड डिजार्मेंट में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो सो so, वहां से आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा ओके okay? हाँ नेक्स्ट पड़ता है इन्वॉर्मेंटल इंपैक्ट तो क्यों ज़रूरी है हम न्यूक्लियर प्रॉलीफेरेशन को कंट्रोल करें क्योंकि ये इन्वामेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है जब अब रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन होता है दैट इज़ वेरी हजारडियस टू द ह्यूमन हेल्थ तो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है या जो नेचर है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टॉप करें ओके सो लॉन्ग लास्टिक इन्वामेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग एक्सीडेंट या यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ओके सो बहुत ज़रूरी है कि इन्वामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे ख़त्म करें नेक्स्ट एक इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर प्रॉलीफ्रेशन हुआ न्यूक्लियर प्रॉलीफ्रेशन कंटिन्यू रहा तो ये क्या है रीजनल इनस्टेबिलिटी को भी बढ़ावा देगा रीजनल आर्म रेस हो जाएगी हम साउथ एशिया की बात करें जहाँ इंडिया और पाकिस्तान है फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ एशिया में इंडिया ने अचीव कर लिया तो पाकिस्तान चाहेगा कि वो अचीव कर ले उसने किया भी तो एक पर्टिकुलर रीजन में दो ये कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन है इनस्टेबिलिटी बनी रहती है उस रीज़न में इसी तरीके से फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया को आप देख लें तो वहाँ पर इनस्टेबिलिटी बनी रहती है तो रीजनल आर्म रेस को ये बढ़ावा देती है और, और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं रीजनल इनस्टेबिलिटी आती है जबकि हम बात क्या करते हैं इसके अपोजिट में रीजनल कोऑपरेशन की बात करते हैं हमने साउथ एशिया में रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया था सार्क बनाया जिसमें जो एट कंट्रीज हैं आपस में मिलकर कोऑपरेट करेंगी एक दूसरे के साथ बट जब रीजनल आर्म रेस चल रहा है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने में लगे हुए हैं कैसे वहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन पॉसिबल होगा या रीजनल स्टेबिलिटी पॉसिबल होगी तो जो न्यूक्लियर प्रॉलीफिशन है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए रीजनल स्टेबिलिटी से आप मतलब समझ रहे हो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जैसे मान लीजिए साउथ एशिया या या साउथ ईस्ट एशिया मिडिल ईस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया हो गया नॉर्थ अमेरिका हो गया ये इसे कहते हैं रीजन ये ये होते हैं पर्टिकुलर रीज़न तो हमने इम्पैक्ट देखे जिससे हमें ये पता चला कि न्यूक्लियर प्रॉलीफेरेशन को भाई कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है राइट ड्यू टू मल्टीपल रीज़न्स वो हमने अभी तक समझे अब क्या किया गया है जब इतना ज़रूरी है तो क्या स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पर हम न्यूक्लियर प्रॉलीफेरेशन को कंट्रोल कर सकें सबसे इम्पॉर्टेंट एन सो जो आपकी नॉन प्रॉलीफेरेशन ट्रिटी है इसको साइन किया गया था 1968 में और एक तरीके से ये इंटरनेशनल एफर्ट्स था टू प्रिवेंट द न्यूक्लियर प्रॉलीफेरेशन बट दो की इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई बट स्टिल ये स्टेप लिया गया एंड ये स्टेप एक माइलस्टोन की, तर, तर, की तरीके था न्यूक्लियर प्रॉलीफेरेशन पर कंट्रोल करने के लिए ओके okay, नेक्स्ट है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया किस लिए ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर टास्क था मोनिटरिंग एंड इंस्पेक्टिंग द न्यूक्लियर फैसिलिटीज तो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना था एक सर्वेलांस रखना था सभी कंट्रीज़ पर ताकि ये नॉन प्रोलीफ्रेशन को रोका जा सके तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी ये रही कि कहीं इंडिया नेपाल को तो नहीं ट्रांसफ़र कर रहा है न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी या फॉर एक्ज़ाम्पल Uh, भूटान को तो नहीं किया जा रहा है या पाकिस्तान के अफगानिस्तान को तो नहीं कर रहा है राइट right? तो एक कुल मिलाकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का क्या काम था मॉनिटरिंग करना एंड ये एग्जामिनेशन करना कि कोई कंट्री सीक्रेट वे पे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स डेवलप नहीं कर रही है गेटिंग इट तो ये आप इसे देख सकते हैं कि ये स्टेप लिया गया और ये काफ़ी प्रभावशाली भी रहा है अदरवाइज़ आप देखिए कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का अगर सर्विलांस नहीं होता तो फिर बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में आपस में ट्रांसफर हो जा हो गया होता क्योंकि भाई रेवेन्यू जनरेट करती ना ये सारी चीज़ें नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन तो यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन लाया गया था 2004 में जिसमें सभी कंट्रीज इस्टेप लेंगी टू प्रिवेंट दी न्यूक्लियर प्रॉलीफेरेशन ऑफ दी वेपन्स जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं एंड देयर डिलीवरी सिस्टम तो इस रेजोल्यूशन में बात की गई कि ये सभी कंट्रीज़ की जिम्मेदारी है कि न्यूक्लियर प्रॉलीफेरेशन को रोका जा सके और रोकने पे हेल्प करें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें इंफॉर्मेशन शेयर करें अगर ऐसी कोई इवेंट्स uh, हो रहे हैं ऐसी कोई हैपनिंग हो रही है तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट है प्रोलीफ्रेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव, सो वॉलेंट्री इंटरनेशनल पार्टनरशिप डेवलप करने की बात की गई जो इसको रोक सके। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट कंट्रोल सो मैनी कंट्रीज़ हैव इम्प्लीमेंटेड दी एक्सपोर्ट कंट्रोल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी राइट कि हमें इस जो ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड मटीरियल्स इसको कंट्रोल किया जाए एक्सपोर्ट ही ना होने मतलब दे पाने दिया जाए इस प्रोसेस को हैपनिंग ही ना होने दिया जाए तो ये इस मेज़र को कंट्रोल करने पे हेल्प लिया गया है और क्या स्टेप्स लिए गए हैं न्यूक्लियर प्रोलीफ्रेशन को रोकने में सैंक्शंस लगाए जाना जैसे फॉर एग्जांपल ईरान का केस आप देख लें या सीरिया का केस आप देख लें या फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया का आप देख लें इवन आप इंडिया का देख सकते हो कि इंडिया ने इवन जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया था तो उस टाइम इंडिया में क्या कितने सारे सैंक्शंस लगे थे राइट right. इसी तरीके से इवन जब पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था वो डेवलप हो गया था तो यूएसए ने पाकिस्तान पर भी सेंक्शंस लगाए थे नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन लगाया गया अभी ईरान एंड सीरिया का केस देख सक केस देख सकते हो तो अगर जितने भी जो पी फाइव के अलावा कंट्रीज़ पे जब न्यूक्लियर प्रोग्राम्स डेवलप किए गए हैं तो उन पर सैंक्शंस लगा है वो ये स... कई तरीके से सैंक्शंस हो सकते हैं कि भाई उनको इकोनॉमिक एड नहीं देगा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आ, अमेरिका ने बोला कि भाई अच्छा पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिया इसको हम इकोनॉमिक एड नहीं देंगे मतलब जो भी फाइनेंशियल हेल्प की जा रही थी यूएसए की तरफ से उसको रोक दिया गया या फॉर एग्जांपल ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए हमने जो जो फाइने जो जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा था यू और पाकिस्तान के बीच में उसको रोक दिया गया तो बहुत तरीके से सेंक्शंस लगाए जाते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन uh, है उसकी मेम्बरशिप से हटा दिया गया गेटिंग इट तो इस तरीके से सेंक्शंस भी इम्पोज करने को आप, आपने देखा होगा कि ये ये भी स्टेप लिया गया है देन आर्म कंट्रोल एंड डिज़ार्माम निगोसिएशंस आप देखेंगे कि अमंग द कंट्रीज बहुत सारे ऐसे निगोसिएशंस रहे हैं ऐसी मीटिंग्स हैं ऐसे समिट्स रही हैं जिनका मकसद था ये जो आर्म जो आर्म्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको लिमिट करना राइट right? तो ये एक स्टेप लिया गया है नेक्स्ट है बाइलेटरल ट्राइलेटरल एंड मल्टी एग्रीमेंट्स किए गए हैं बाइलेट्रल मतलब टू कंट्रीज़ के बीच में ट्राइलेटरल तीन कंट्रीज़ के बीच में एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स मतलब मोर देन टू कंट्रीज इस पर इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल सीटीबीटी हो गया या एनपीटी हो गया तो बहुत सारी न्यूक्लियर ट्रिटीज़ इस ऐसे एग्रीमेंट्स किए गए हैं जिससे कि न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल्स को फर्दर स्प्रेड होने से रोका जाए तो ये सारी स्टेप्स लिए गए हैं कुछ बट और हाँ कुछ स्टेप्स हैं जैसे न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन डिक्लेयर किए गए हैं कुछ कंट्रीज़ ने अपने आप को या अपने क्षेत्र को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया मतलब हम न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे ना ही हम न्यूक्लियर वेपन्स को अपने पास रखेंगे किसी से टेक्नोलॉजी लेकर राइट right. तो ये आप देख सकते हो तो कई सारे और भी ग्रुप बनाए गए हैं जो इस पर आ, एक तरीके से सर्वेलांस का काम करते हैं या जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है जो न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल का उस पर कंट्रोल करते हैं एक है आपका एम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम एक है आपका डब्ल्यू ए अरेंजमेंट ये तो आप सबने सुना होगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इंडिया इसकी मेंबरशिप लेने की प्रयास कर रहा है बट अभी चाइना उस पर कुछ रुकावटें डाल रहा है इसकी वजह से इसको मेंबरशिप नहीं मिल रही है दो कि इंडिया इसका मेंबर हो गया इसका मेंबर हो गया है विद जबकि इंडिया ने अभी एनपीटी साइन नहीं किया है बट स्टिल क्योंकि इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री कहीं ना कहीं एक्नॉलेज तो किया ही जाता है सो दे आर सेवरल ऑब्स्टिकल्स दैट मेक प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर क्रॉलीफेरेशन तो हमने ये देख लिया कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड होने से रोकना क्यों जरूरी है साथ ही साथ हमने देख लिया कि बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रॉलीफेरेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके बट अभी भी आप देखोगे कि न्यूक्लियर प्रॉलीफ्रेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सका सस्पेक्टेड कंट्रीज़ की लिस्ट में अभी भी सीरिया एंड ईरान आते हैं और नॉर्थ कोरिया तो डेवलप ही कर लिया तो ये क्या कारण है जिसकी वजह से इतने सारे एफर्ट्स लिए गए न्यूक्लियर प्रॉलीफेरेशन को कंट्रोल करने में बट स्टिल नहीं कर पाए सो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है नेशनल सवरानिटी का कन्सेप्ट देखो जो सवरेनिटी का कंसेप्ट ये है कि जो कोई पर्टिकुलर नेशन है मतलब जो कंट्री है वो अपने आप में सवरेन है तो वो कंट्री क्या डिसीजन लेगी क्या नहीं लेगी वो उस कंट्री पर डिपेंड करेगा कोई आउटर फोर्सेस क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं इसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा केस समझते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडिया का केस ले लेते हैं तो जब इंडिया को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना था तो इंडिया को लगा कि ये तो हमारा इंटरनल मैटर है कि हमें न्यूक्लियर वेपन रखना है या नहीं रखना है जो ये P5 कंट्रीज है ना ये क्यों डिसाइड कर रही हैं कि, कि किस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन होगा और किस कंट्री के पास नहीं होगा खुद के पास तो न्यूक्लियर वेपन है और हमें कह रहे हैं नहीं डेवलप करो तो नेशनल सवरैनिटी का कंसेप्ट से लोग इसे जोड़ते हैं नेशनल सव्रैनिटी के कंसेप्ट दूसरा आ जाता है नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रस्टीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी अब इंडिया जब हम एशिया को अगर हम देखें मैप में तो यहाँ चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है और इंडिया और चाइना के आपस में बनती नहीं है तो इंडिया को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से लगा कि नहीं भाई मुझे भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने होंगे ताकि चाइना को मैं काउंटर कर सकूं जो चाइना का असर्टिवनेस है जो चाइना का प्रेशर है हम उसे काउंटर कर सकें यही हुआ जब पाकिस्तान ने डेवलप किया कि इंडिया और पाकिस्तान की आपस में बनती नहीं है तो अपनी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस के लिए इन लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए ये ऐसा इनका कहना था तो नेशनल सब्रैनिटी टॉप पे जब आ जाती है इसको प्रायोरिटी देते हैं कंट्रीज़ तो ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं और ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनता है जब हम न्यूक्लियर प्रॉलीफ्रेशन को सक्सेसफुली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो ये सबसे बड़ा उस पर रुकावट डालता है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लैक ऑफ ट्रस्ट अब लैक ऑफ ट्रस्ट से अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया को चाइना पे ट्रस्ट नहीं था ना कि चाइना कभी अटैक नहीं करेगा इंडिया पर कटिंग तो इंडिया को अपना डेवलप करना पड़ा दिस प्रो न्यूक्लियर प्रोग्राम ओके सो ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट क्या है हमें अपने सिक्योरिटी कंसर्न को सबसे ऊपर रखना होगा एंड दिस इज द रीजन कि जो नॉन प्रोलिफिडेशन एग्रीमेंट्स हैं हम उनको इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इकोनॉमिक इंसेंटिव अग uh, हाँ कुछ कंट्रीज क्या करते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स टू बूस्ट देयर इकोनॉमी एंड गेन द पॉलिटिकल पावर तो आप एक तरीके से इन्हें इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल इंसेंटिव के रूप में देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है जब न्यूक्लियर वेपन सक्सेसफुल होगा न्यूक्लियर पावर उनके पास रहेगी तो वो उसे अपनी एक एक पॉलिटिकल पावर या एक पॉलिटिकल पावर गेन के रूप में देखते हैं एट द इंटरनेशनल अफेयर इसी तरीके से डिफ़िकल्टीज इन वेरीफाइंग दी कम्प्लायंस ये सबसे बड़ा रुकावट डालता है कि हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो बना दिया एटॉमिक एनर्जी वाला कि हाँ भाई हम ये सर्वेलांस रखेगा कंट्रोल करेगा और दुनिया भर के जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनको मॉनिटर करेगा बट स्टिल आप देखोगे कि जो कंप्लायंस है क्योंकि कंट्रीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते वो इतने सीक्रेटली डेवलप कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ पाती है एंड दिस इज़ द मेजर हर्डल्स या यू कैन से दैट ऑब्स्टिकल्स जिसकी वजह से जो कंप्लाइंस इंश्योर करने पे प्रॉब्लम आती है चाहे वो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लें या गवर्नमेंट को कोई देख लें और इसकी वजह से हम नॉन प्रोलीफेरेशन एग्रीमेंट्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं क्योंकि कंट्रीज सीक्रेटली डेवलप करती हैं इसे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये आती है नॉन प्रोलीफेरेशन जो मेज़र्स हम लेते हैं जैसे आ, पर, जैसे मान लीजिए ट्रिटीज़ हम साइन कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी होती है कंट्रीज़ में तो ऐसे में क्या आता है कि जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं करती है या रिसोर्स नहीं आ, 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 उपलब्ध कराती है इन एग्रीमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आप समझते हैं इंडिया का केस लेते हैं और पाकिस्तान का केस लेते हैं अगर मान लीजिए पाकिस्तान के सिटीजन्स चाहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए और कोई गवर्नमेंट इसके खिलाफ जाती है तो भाई वो उसको इलेक्शन से बाहर कर देंगे राइट right? सिंपल सा बात ये है कि मास सपोर्ट वो भी बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में है तो भी प्रॉब्लम अब एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं मिलेगी आपको एंड ड्यू टू दिस रीज़न आपको देखने को मिलेगा जो जो पोलिटिकल लीडर्स होते हैं दे ऑल्सो गो फॉर दिस काइंड ऑफ डिसीज़न और इसकी वजह से जो नॉन प्रॉलीफन ट्रेटी है हम उसको सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो ये एक प्रॉब्लम आती है बहुत बड़ी फिर इसके बाद से लैक ऑफ इन्फोर्समेंट मैकेनिजम्स हम बहुत सारी ट्रिटीज बना लेते हैं लॉज बना लेते हैं एग्रीमेंट्स भी कर लेते हैं बाई मल्टीलेटरल या ट्राई बट उनको एग्जीक्यूट मेन तो है एग्जीक्यूट करना बना तो लिया आपने टर्म्स एंड कंडीशन लेकिन उसको कितना इफेक्टिवली आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो जो लैक ऑफ इंफॉर्मेश इन्फोर्समेंट मेकेानिज़म्स हैं वो बहुत वीक है इन्फोर्समेंट मेकैनिज़म जिसकी वजह से क्या होता है हम इसे कंट्रोल करने में असफल रहते हैं नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिवर्सल एडहरेंस मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल एनपीटी जो नॉन प्रोलीफरेशन ट्रिटी है या या कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रिटी हो गई सी लोग कंट्रीज़ पूरी कंट्रीज़ आपस में सहमत ही नहीं है और जिसकी वजह से हम यूनिवर्सल लेवल पर एक कॉमन कंसेंसस बनाने पे डेवलपमेंट करने पे इश्यूज आते हैं एंड फर्दर ये एक प्रॉब्लम बन जाता है कि हम जो नॉन प्रोलीफरेशन मेजर्स हैं उसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करें नेक्स्ट है जो थ्रेट का परसेप्शन है वो इतना ज़्यादा सभी 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 इतना मतलब डाइवर्सीफाई है जिसकी वजह से कंट्रीज़ कई बार है ना एग्री नहीं करती हैं जो इंटरनेशनल ट्रिटीज़ हैं या या जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं उसकी वजह से क्योंकि वही बात आती है ना सिक्योरिटी कंसर्न और थ्रेड का परसेप्शन हर कंट्री के लिए अलग होता है एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमें कंट्रीज़ के आपस में कंसेंसस बनाने में डिफ़िकल्टी आती है कि भाई नहीं न्यूक्लियर प्रॉलीफ्रेशन को हमें रोकना चाहिए इसके बाद से जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं वो भी उतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं इन जो प्रैक्टिस में इसके बाद से मेन इम्पोर्टेंट तो यही है कि आ, जो जो कंट्रीज हैं उनके बीच में पॉलिटिकल विलिंगनेस ही नहीं है कि नई न्यूक्लियर प्रोलीफरेशन को रोका जाए एनी हाउ राइट तो जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं वो उनके उनमें खुद ही ये इच्छा नहीं है ये विलिंगनेस नहीं है कि डिसआर्म हो जो आर्मामेंट है उसको कंट्रोल किया जाए या न्यूक्लियर प्रोलीफरेशन है इसे कंट्रोल किया जाए क्योंकि इसमें उनके अपने बेनिफिट्स हैं यू भी तो अपनी टेक्नोलॉजी अपनी वेपन सभी जगह सेल करता है सप्लाई करता है तो इसमें इनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं राइट पॉलिटिकल पावर का भी गेन है इकोनॉमिक गेन भी है तो वो क्यों चाहेंगे कि इसे कंट्रोल किया जाए बस हाँ सबके सामने आकर बैठ के बातें कर देनी है कि नहीं भाई हम तो चाहते हैं इसे कंट्रोल किया जाए राइट सो दीज आर द सम डिफ़िकल्टीज जो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती हैं तो अब भाई क्या किया जाना चाहिए जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो हम इसे नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है एक वे फॉरवर्ड के रूप में आप इस इस आंसर को ख़त्म कर सकते हो तो सबसे पहले कि भाई अब क्या कर सकते हो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही करने चाहिए जिसकी वजह से हम डिप्लो जो डिप्लोमेसी है उसका यूज़ करो जो जो मल्टीपल कंट्रीज हैं उनको एक टेबल पे लाओ और उनके बीच उनके साथ बातचीत करो और उन्हें समझाने की कोशिश करो कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जो न्यूक्लियर प्रोलीफरेशन है ये हम सब लिए रिस्की है तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए जा सकते हैं बातचीत ही की जा सकती है डायलॉग किया जा सकता है इसके बाद से इन्फोर्समेंट ऑफ द इंटरनेशनल सेंकशन्स अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाँ भाई जो इंटरनेशनल सेंक्शंस लगाए जा रहे हैं ना वो काफ़ी पावरफुल होने चाहिए ताकि लोगों के अंदर ये फियर होना चाहिए ये डर होना चाहिए कि भाई अगर हम ऐसा कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसी चीज़ डेवलप करेंगे तो हम पे सेंक्शन लगेगा दुनिया भर से हमको अलग थलग कर दिया जाएगा और फिर हमारी इकोनॉमी वीक हो जाएगी क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है ग्लोबल सप्लाई चेन से इतनी कनेक्टेड है आप देखेंगे कि कोविड नाइन्टीन के टाइम पर क्या हाल हुआ था लोगों को राइट तो इसी तरीके से लोगों में फियर होना चाहिए कि भाई हम पे सेंक्शंस लग जाएंगे नेक्स्ट है कि जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाता है इसे कोशिश करनी चाहिए कि सही तरीके से मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्ट जो इंस्पेक्टिंग न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको इफ़ेक्टिवली मॉनिटर करें और कंप्लाइंस को इंश्योर किया जा सके तो ये काम किया जा सकता है नेक्स्ट थ्रू डिजार्मेंट भाई जो जो ऑलरेडी कंट्रीज़ हैं जिसे मान लीजिए पी फाइव कंट्रीज हैं इनको बोला जाए ना कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करो डिस्ट्रॉय करो तभी तो अदर कंट्रीज़ कहेंगे कि भाई इनके पास भी नहीं है तो अब हम क्यों डेवलप करें राइट right? तो एलिमिनेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या डिस्ट्रॉय द न्यूक्र वेपन सो डैट की अदर कंट्रीज़ को ट्रस्ट हो सके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके कि भाई इन कंट्रीज़ के पास भी नहीं है अब हमें भी क्या करना है डेवलप करके तो किसी के पास भी ना रहे या आप कह सकते हो कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी डेवलप किया जा सके कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा कि तो जो अपोजिट कंट्रीज हो ना वो डेवलप ही नहीं करेगी न्यूक्लियर वेपन्स को वो कहेंगे कि भाई इनके पास तो डिफेंस सिस्टम है अगर हम यूज़ भी करेंगे तो इनका कुछ नुकसान होना नहीं है और उल्टा ये हमारे पे अटैक कर देंगे तो इससे क्या होगा डिटरेंस क्रिएट होगा तो ऐसे किया जा सकता है इसको कंट्रोल और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमें शेयर्ड एफोर्ट्स चाहिए एक या दो कंट्री के बस की बात तो ये है नहीं कि एक या दो या तीन कंट्रीज मिलकर इस जो न्यूक्लियर प्रॉलीफेरेशन की समस्या है उसको सॉल्व कर पाएंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेंड एफर्ट चाहिए होंगे फ्रॉम दी इंटरनेशनल कम्युनिटी ताकि न्यूक्लियर प्रॉलीफेरेशन जैसी चीज़ को रोका जा सके और विदाउट इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोऑपरेशन से ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि एक और दो कंट्री एफर्ट करें और बाकी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इसको सपोर्ट करें राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल पे तो आई होप कि न्यूक्लियर प्रॉलीफ्रेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे क्या स्टेप्स लिए गए हैं और क्यों आ, क्या किया जा आ, मतलब फर्दर हम क्या कर सकते हैं जिससे कि न्यूक्लियर प्रॉलीफ्रेशन पे हम कंट्रोल कर सकें सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब मई चैनल एंड सपोर्ट मी सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर